साथियों, बेटर टुमारो का हमारे सपने में एक चीज और बहुत अहम रही है, यह है भारत के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। आने वाले कुछ वर्षों में इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार 100 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही हमारा प्रयास इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने पर भी उतना ही जोर है। सरकार इस बात पर भी नजर रख रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री को क्रेडिट फ्लो में किसी तरह की दिक्कत ना आए। साथियों, आज सरकार रेल कनेक्टिविटी पर, रोड कनेक्टिविटी पर, एयर कनेक्टिविटी पर जितना निवेश कर रही है उतना पहले कभी नहीं हुआ। इसके पर्यावरण पर, ईज ऑफ लिविंग पर जो प्रभाव हो रहे उससे हम भलीभांति परिचित हैं, लेकिन एक और सेक्टर पर कनेक्टिविटी सुधारने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और ये सेक्टर है टूरिज्म। मैं उदाहरण के तौर पर ही कुछ चीजें आज बता रहा हूं। साथियों, सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 34वें स्थान पर है, 34वें स्थान पर है, जबकि साल 2009 से 2013 के बीच, 2009 से 2013 के बीच, उन वर्षों में हमारा नंबर कभी 62 कभी 65 के आसपास रहा करता था। और मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि टूरिज्म बढ़ने से सबसे ज्यादा गरीब को फायदा होता है, गरीब से गरीब को रोजगार मिलता है और कम से कम पूंजी निवेश से ज्यादा रोजगार मिलता है। जब टूरिज्म बढ़ता है, विदेशी पर्यटक आते हैं तो अपने साथ विदेशी मुद्रा भी ले आते हैं। 2014 में भारत के लोगों को टूरिज्म सेक्टर से विदेशी मुद्रा में 1,20,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। 2014 में 1,20,000 करोड़ रुपए विदेशी टूरिस्टों ने जो खर्चा किया, वहीं पिछले साल ये विदेशी मुद्रा बढ़कर करीब करीब 2,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। आखिर ये कमाई किसकी हुई? भारत की होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की, टूरिस्ट गाइड्स की, टैक्सी वालों की, छोटे छोटे ढाबे वालों की, हैंडीक्राफ्ट बेचने वालों की।